जय हिंद दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है, SSC की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस MTS या ट्रेडमैन के पद पर न्यू वैकेंसी आ चुकी है। और अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आपकी हाइट नहीं नापी जाएगी, इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है। तो सारी इसकी चयन प्रक्रिया हम जानेंगे, जैसे कि आपका इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, कितने पद पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि रिटर्न एग्जाम में कितने विषय से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको पूरी चयन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी योग्यता के बारे में। तो सिंपल सा, आपका दिल्ली पुलिस MTS में आपका 10वीं पास आप पास होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एक चीज़ और, कैंडिडेट के मन में सवाल रहता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो इंडिया के किसी भी राज्य से हो, दोनों लोग चाहे इंडिया के किसी भी राज्य से हो, वो दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया का ये वैकेंसी है, ठीक है, और इसमें हाइट नहीं नापा जाएगा, आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होना है, ठीक है। बात करते हैं इसके आवेदन के बारे में। तो इसके लिए आवेदन 10 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे, और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 रखी गई है। बात करते हैं कौन कौन से पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, यह वैकेंसी दिल्ली पुलिस MTS या ट्रेडमैन्स का वैकेंसी है। तो इसमें जो आपके पद रहने वाले हैं वो कुक, सफाई कर्मचारी, माली, दर्जी, धोबी, चपरासी, नाई और बढ़ई, और सबसे लास्ट में आपका वाटर कैरियर। तो आपका इन इन पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब बात करते हैं आपकी उम्र सीमा के बारे में। तो जो इसमें आपकी उम्र मांगी गई है वो आपकी उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए। अगर आप एज में छूट लेना चाहते हो और आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी इसमें 3 साल की छूट। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हो तो इसमें आपको 5 साल की छूट मिलती है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट हो तो आपको लगते हैं इसमें 100 रुपये। अगर आप SC, ST या महिला उम्मीदवार हो तो आपको इसमें 1 भी रुपये नहीं देने पड़ते। अब बात करते हैं आपकी पद की संख्या के बारे में। तो जो टोटल आपकी पोस्ट है वो आपकी 888 पद पर यह वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के 407 पद, OBC के 274, SC के 58, ST के 61 और EWS के 88 पद हैं। टोटल आपकी 888 पद पर यह वैकेंसी आई हुई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होता है इसमें आपका रिटन एग्जाम, फिर आपका टेट टेस्ट होगा क्योंकि ये ट्रेडमैन का वैकेंसी है, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा नॉर्मल सा, फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कागज आगे चेक किए जाएंगे, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन। तो समझ लेते हैं इसके एग्जाम के बारे में। तो आपका इसमें 3 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे GK GS के, आप GK GS प्लस करंट अफेयर्स के रहते हैं 50 प्रश्न, रीजनिंग के 25, मैथ के 25, 25 25 50, और ये 50 हो गए आपके 100 प्रश्न। 100 प्रश्न आपका 100 अंक का आपका ये पेपर हो रहता है, ठीक है। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक। और बात करें पेपर के मोड के बारे में, तो आपका जो पेपर का मोड रहेगा वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड आपसे टेस्ट कराया जाएगा, यानी आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। उससे पहले मैं आपका इसका सिलेबस बता देता हूँ। तो सिलेबस देखिए, अगर आपको दिल्ली पुलिस MTS का आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपका सीधा सा तरीका है, क्योंकि आपका जो वैकेंसी वो ऑल इंडिया का वैकेंसी है और पोस्ट आपकी 888 है, ठीक है। तो आपको जो इसका सिलेबस कवर करना है, एग्ज़ाम जो क्रैक करना है, तो आप SSC MTS का जो एग्ज़ाम होता है उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाइए, वहीं से आपका पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। उससे आपका आगे नहीं जाएगा। उसमें ऐसा रहता कि आपका इंग्लिश भी पूछी जाती है, इसमें आपका इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। तो आपका जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें आप रीजनिंग और मैथ और GK GS का प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका 100% कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो SSC MTS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप सॉल्व कर लीजिए,
और आपका SSC CHSL जो आपका 12वीं लेवल का एग्जाम होता है उसके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, एडवांस में बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप चक्कर में मत पड़िएगा भाई, इसका भी सिलेबस अलग से, इसका भी अलग से, क्वेश्चन सेम वही रहता है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं। जिसको आपका कोर्स बेचना है, जिसको आपकी किताबें बेचनी है, उनके लिए ये सब है, ठीक है ना। आपका जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है। तो मैं आपको पहले बताया SSC MTS का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और आपका CHSL का आपका प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का पेपर। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना, 100% बता रहा हूँ, आप यहाँ से कर लोगे। मुझे कोई फिर है आपका एग्जाम डेट, तो दिल्ली पुलिस MTS का जो आपका एग्जाम होगा वो आपका फरवरी 2024 में आपका एग्जाम होगा। बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो आपका जो टेस्ट होगा वो 20 अंक का आपका टेस्ट होगा, जिसमें से आपको केवल 10 अंक लाने हैं, क्योंकि आपका जो टेस्ट होने वाला है एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब केवल आपको इसको पास करना है। अब बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में कि टेस्ट में कराया क्या जाएगा। तो सिंपल सा, आप अगर जिस पोस्ट में अप्लाई करोगे उसी का टेस्ट होगा। मान लीजिए आप बर्बर यानी नाई के लिए अप्लाई करें, तो बर्बर का जो कार्य होता है वो बाल काटना, ठीक है ना, तो बाल काटना आपको अच्छे से आना चाहिए तथा उसमें जो औजार प्रयोग किए जाते हैं उन औजारों का नाम पता होना चाहिए तथा उनका रख रखाव कैसे करना वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान चलिए आप धोबी यानी वाशरमैन के लिए अप्लाई करते हो, तो वाशरमैन में आपको कपड़े धोना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, कितना डिटर्जेंट उसमें मिलाना है वो आपको मात्रा पता होना चाहिए। इसके अलावा कपड़े जब धुल जाते हैं तो उसमें प्रेस यानी इस्त्री करना आपको अच्छे से आना चाहिए। बात करें आपके सफाई कर्मचारी टेट के बारे में, तो सफाई कर्मचारी में आपका सफाई करना आना चाहिए, टॉयलेट को साफ करना, बाथरूम को साफ करना। इसके अलावा जो आपकी फील्ड है, जो आपका ग्राउंड है, उसमें झाड़ू लगाना आना चाहिए। झाड़ू कैसे पकड़ते हैं वो आपका नॉलेज होना चाहिए, जो कैंडिडेट झाड़ू लगाएगा तो उसको पता होता है कैसे झाड़ू लगाना है। तो आपको फोकस जो करना है वो आपको रिटर्न एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपको टेस्ट के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, कम से कम 1-2 महीने मिल जाएंगे, तब की चाहिए इसमें मुश्किल से 5-10 दिन, ठीक है ना, आसानी से आपका टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, फोकस जो करना है वो केवल और केवल आपको रिटर्न एग्जाम के ऊपर करना है। और जो आपका पद में जो आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी वो आपकी कुक ट्रेड और सफाई कर्मचारी ट्रेड में आएगी, बाकी जो आपकी वैकेंसी बची रहेंगी वो आपकी इन ट्रेडों में डिवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आपका टेस्ट क्वालिफाई नेचर का होगा, जिसमें आपसे आपको 20 में से 10 अंक लेकर आने हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में, तो आपका दिल्ली पुलिस MTS में इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको 18,000 आपको इन हैंड मिलेगी, प्लस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, जैसे कि TA ट्रेवल अलाउंस, DA DNS अलाउंस जिसे महंगाई भत्ता बोलते हैं, HRA हाउस रेंट अलाउंस जिसे हम मकान का किराया बोलते हैं, फिर आपका TA DA HRA, फिर आपका राशन मनी भी इसमें मिलता है, ठीक है। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनती है 30,000 से 35,000 के बीच में, तो शुरुआत में सैलरी भी अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर आप एक बार इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो, भले ही आपका प्रमोशन में बता दूं, प्रमोशन अगर आप इसमें एक बार जो ट्रेड में सिलेक्ट रहोगे उसी ट्रेड में आप ज़िंदगी भर रहोगे, ठीक है, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और इसके अलावा जब इसमें सिलेक्ट हो जाओगे तो आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि इसमें जो आपका जॉब रहेगा वो आपका वहीं पर जॉब रहेगा, आपको किसी फील्ड में नहीं जाना है और 8 घंटे का आपका जॉब रहेगा, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको जो पसंदीदा एग्ज़ाम है इसमें एक बार सिलेक्ट होने के बाद, तो उस एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए। तो जब आप उसमें सिलेक्ट हो जाओगे जो आपका पसंदीदा है तो इसको छोड़ दीजिएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आप अभी इसमें सेलेक्ट हो जाइए, ये अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि वैकेंसी अगर चुनाव के पहले ही आनी है फिर बाद में ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि वोट अभी मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालेंगे जितने डिपार्टमेंट खाली है, ठीक है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। और SSC GD का जो एग्ज़ाम है वो SSC GD की जो न्यू वैकेंसी है वो भी आ चुकी है, 24 नवंबर 2023 से आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो फरवरी मार्च में SSC GD की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके आपका एग्ज़ाम डेट है, ठीक है। तो आपका और आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को वैकेंसी तो आ ही रहा है, दिल्ली पुलिस MTS का आ गया, इसके अलावा आपका RPF कांस्टेबल SI का आने वाला है, और UP पुलिस में आपका कांस्टेबल SI फायरमैन, ठीक है ना, इसका वैकेंसी आने वाला है, और आपका बिहार पुलिस में भी बिहार दरोगा वैकेंसी आने वाला है। तो आपकी बम्पर वैकेंसी आने वाली है, तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।